नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोग को रात की जो बची हुई चावल होती है उसका पुलाव बना के दिखाऊंगी। अरे बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने बचे हुए चावल का पुलाव बनाने के लिए सामान लिया है, जिसे मैंने एक पाव इतना गोभी लिया है, एक बड़ा सा गाजर लिया है और दो से तीन टमाटर और दो आलू, एक शिमला मिर्च और तीन मीडियम साइज़ के प्याज और दो काट लहसुन जिसको मैं छील के रख ली हूँ, थोड़ा सा अदरक है इसको मैं पीस के पेस्ट बनाऊँगी और आधा पाव इतना मटर छील के रखी हूँ। और मसाले में दोस्तों एक चम्मच जीरा है, चार से पांच सूखी मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, एक चम्मच मिर्च पाउडर है, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला है, नमक स्वाद अनुसार है, तेज पत्ता ली हूँ दो से तीन तेज पत्ता है, सूखी मिर्च चार से पांच है, दो इलायची है, पांच से छह काली मिर्च है, दो लौंग है, छोटा सा जायत्री है और थोड़ा सा दालचीनी ली हूँ। देखिए दोस्तों, कुकर मेरा गर्म हो चुका है, मैं कुकर में बनाऊंगी दोस्तों, जिसके लिए मैं दो बड़े चम्मच तेल डाला है। देखिए दोस्तों, तेल मेरा गर्म हो गया है, मैं इसमें जीरा डालूंगी, सूखी मिर्च और जो खड़ा मसाला रखी हूँ वो डाल दूंगी, पहले तेज पत्ता, जो काट के मैंने प्याज रखा है वो डालूंगी, प्याज को थोड़ा भूनने के लिए देखते हल्का ब्राउन होते तक से भूनना है प्याज को। देखिए दोस्तों, प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, भूनना है दोस्तों, इसको गलाना नहीं है, इसको हल्का ही ब्राउन रखना है, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। देखिए दोस्तों, मसाला भून चुका है, अब इसमें मैं जो सब्जी काट के रखी हूँ वो डालूंगी, मटर डालूंगी, फिर गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और आलू। एक मिनट भून लेंगे दोस्तों। अब मैं इसमें मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला
टमाटर भी डालूंगी अब मैं इसमें। अब एक मिनट के लिए इसको ढक दूंगी दोस्तों मैं। सब्जी भून के रेडी हो गई है दोस्तों, एक मिनट और भूनूंगी इसको। सब्जी भून चुकी है दोस्तों, देखिए अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक स्वाद अनुसार डालें दोस्तों आप। अब जो चावल है दोस्तों, चावल बचे हुए हैं मेरे यहाँ, कम से कम आधा किलो इतना चावल बचा हुआ है दोस्तों। मैं बना के रखी थी रात में, आप चावल अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितने चावल में आपको बनाना है। मैं इतना चावल बना के रखी थी, इसको पहले मैं मिक्स कर दूँगी दोस्तों, फिर चावल डालूँगा। अब मैं इसमें एक गिलास पानी डाल दूंगी, पहले से चला दूंगी। फिर एक गिलास पानी डालूंगी और धनिया पत्ती ऊपर से डाल दूंगी, पहले अच्छे से मिला लीजिएगा दोस्तों इसको आप। अब मैं एक गिलास पानी डाल दूंगी दोस्तों इसमें। देखिए एक सीटी लगा दी है दोस्तों इसमें। धनिया पत्ती भी डाल दे रही हूँ मैं इसमें, धनिया पत्ती भी डाल दीजिएगा दोस्तों आप भी। एकदम अच्छे से अलग अलग बनेगा दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप भी अपने घर ट्राई करके देखिए। ढक्कन बंद करके एक सीटी लगा देंगे। दोस्तों मैं पुलाव के साथ रायता भी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने एक पाव दही लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती बारीक बारीक काट ली हूँ और 3 से 4 हरी मिर्च काटी हूँ, आधा चम्मच जीरा है और 8 से 10 काली मिर्च है।
दोस्तों मैं पुलाव के साथ रायता बना रही हूँ, उसके लिए मैं एक पाव दही ली हूँ, ये हल्का सा खट्टा है दोस्तों, एक चम्मच जीरा ली हूँ और 8 से 10 काली मिर्च, और धनिया को मैं बारीक बारीक काट ली हूँ, और 3 से 4 हरी मिर्च है इसको भी बारीक बारीक काटना है दोस्तों, नमक स्वाद अनुसार दोस्तों। इसको पहले मैं मिक्सी में थोड़ा सा पीसूँगी और जीरा और काली मिर्च को थोड़ा सा भूंज के फिर पाउडर बनाऊँगी दोस्तों। मैं पहले इसको भूंज के पाउडर बनाऊँगी फिर मिक्स करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों हमारा पुलाव बन के तैयार है, पुलाव के साथ रायता भी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।